नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। स्वागत है आपका जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में। और आज का हमारा शो है, आज की हमारी थीम है सस्ता क्रूड फिर भी नहीं छूट। ये बात इसलिए क्योंकि आप देखिए कि क्रूड के दाम पिछले कुछ दिनों से 75-80 के रेंज में चल रहे हैं, लेकिन पिछले एक साल से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई राहत नहीं मिली है। क्रूड की कीमतें $80 प्रति बैरल के आसपास हैं। वहीं भारत रूस से पिछले साल भर से ग्लोबल रेट से भी सस्ती कीमत पर कच्चे तेल का इंपोर्ट कर रहा है। तेल कंपनियों को खूब मुनाफा भी हुआ, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटे हैं। आखिर क्यों नहीं घट रहे हैं दाम? तेल कंपनियों की क्या है मजबूरी, क्या है दलील, और क्या आगे पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की कुछ गुंजाइश है? इस पर हम डिटेल में एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कच्चे तेल की कीमतें हद में हैं। मौजूदा भाव $80 प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है। भारत जैसे देश के लिए जो अपनी जरूरतों का करीब 85% तेल आयात करता है, उसके लिए ये काफी राहत की बात है। इससे भी बड़ी राहत की बात यह है कि हाल के दिनों में भारत को रूस से ग्लोबल रेट से भी सस्ते में कच्चा तेल मिला है। लेकिन ये राहत किस काम का जब इसका फायदा आम आदमी तक ही नहीं पहुंच पा रहा है? यानी सस्ते में मिल रहे क्रूड के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतें जस की तस बनी हुई हैं। पिछले साल जून में तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिलहाल मुंबई में पेट्रोल 106 और डीजल 94 रुपए से ऊपर बना हुआ है। आंकड़े यही बताते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड के सस्ता होने के बावजूद इसका फायदा कंज्यूमर्स को नहीं के बराबर मिला है। शुरुआत 2014 से करते हैं। इस साल अक्टूबर में क्रूड की कीमतें $87 प्रति बैरल के करीब थी। उस दौरान पेट्रोल 67 रुपए प्रति लीटर था। फिर जनवरी 2016 में क्रूड औंधे मुंह गिरकर $28 के लेवल पर आ गया, तो भी पेट्रोल के दाम 60 के भाव पर बने रहे। कोरोना काल के दौरान अप्रैल 2020 में जब क्रूड पस्त होकर $20 के नीचे आ गया, तब भी दिल्ली में पेट्रोल 69 रुपए और मुंबई में 76 रुपए से ऊपर बना रहा। लेकिन मार्च 2021 में जैसे ही क्रूड ने रफ्तार पकड़ी और $65 प्रति बैरल के स्तर पर आया, पेट्रोल के दाम बढ़कर 90 के आसपास आ गए। फिलहाल क्रूड में नरमी के बावजूद तेल की कीमतें पिछले साल जून से ही नहीं घटी हैं। एक दो मौकों को छोड़ दें तो जब जब कच्चे तेल की कीमतें ग्लोबल मार्केट में गिरी हैं, सरकार ने तेल पर एक्साइज बढ़ा दी है। अक्टूबर 2014 में जब क्रूड $87 प्रति बैरल के आसपास था, उस दौरान सरकार 9.5 रुपए सेंट्रल एक्साइज वसूल रही थी। जनवरी 2016 में जब क्रूड 28 के भाव पर आ गया था, तो सरकार ने सेंट्रल एक्साइज को बढ़ाकर 19.70 रुपए प्रति लीटर कर दिया। अप्रैल 2020 में कोविड के दौरान क्रूड अपने निचले स्तर यानी 20 के नीचे आया था, उस दौरान सेंट्रल एक्साइज का ये आंकड़ा बढ़कर 23 रुपए हो गया। फिलहाल ये 20 रुपए के करीब है, लेकिन 2014 की तुलना में अभी भी 10 रुपए प्रति लीटर ज्यादा है। सस्ते क्रूड से मोटी कमाई कर रही तेल कंपनियों के पास कमजोर रुपया एक बड़ा बहाना है, लेकिन सच्चाई ये है कि तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के डीरेगुलेट होने का पूरा फायदा उठा रही हैं। सस्ते दामों पर रूस से क्रूड इंपोर्ट से कंपनियों को 14 महीने में करीब $7 अरब का फायदा हुआ है, लेकिन इसका फायदा कंपनियों ने कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंचाया। वहीं सरकार ने भी एक्साइज ड्यूटी में कोई बड़ी राहत नहीं दी है। लेकिन जब क्रूड में नरमी है और रूस से भी बड़ी मात्रा में सस्ता तेल आयात हुआ है, तो ये पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने का बिल्कुल सही वक्त है। कंज्यूमर को इसका फायदा अब नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं आरएस पांडे साहब, फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ आरएस शर्मा साहब हैं, फॉर्मर चेयरमैन ओएनजीसी के, और साथ ही अजय बग्गा साहब हैं, चेयरमैन हैं एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। और मेरा सबसे पहला सवाल आरएस पांडे जी आपसे होगा सर, चूँकि आप पेट्रोलियम सेक्रेटरी रह चुके हैं, आप जरा हमें बताएं सर कि पिछले एक साल से मतलब जून 2022 से अब तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई राहत नहीं मिली है, दाम कम नहीं हुए हैं, जबकि क्रूड के दाम तब से कम हुए हैं। उसके बाद अगर आप देख लें तो जो एक्साइज ड्यूटी है वो भी कम हुई है, मतलब एक्साइज ड्यूटी कम हुई है इस सेंस में कि आप 2020 में 23 रुपये प्रति लीटर की ड्यूटी थी, जो आप घट के 20 रुपये के नीचे आई है। तेल के दाम कम हुए, एक्साइज ड्यूटी कम हुई, फिर भी पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं कम हुए सर? ये बात सही है कि अभी क्रूड के दाम कम हो गए हैं,
और ये घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन पिछले एक साल से ज़्यादा हो गए रिटेल प्राइसेस पेट्रोल डीजल के वहीं हैं। इसका कारण ये है कि हमारी पॉलिसी कागज़ में तो है कि वाइल मार्केटिंग कंपनीज दे आर फ्री, जो मार्केट फोर्सेस के आधार पर वो दाम बढ़ाएंगे या घटाएंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जब उनको दाम बढ़ाना चाहिए होता है तो सरकार के हिडन हैंड्स द्वारा अंकुश लगा दिए जाते हैं, क्योंकि जनता पर बोझ पड़ता है, महंगाई इन्फ्लेशन पर असर पड़ता है, तो उस समय नहीं बढ़ाने दिया जाता। जब कम होता है तो वाइल मार्केटिंग कंपनियां ये सोचती हैं कि हमें जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करनी है। तो ये मिला जुला के यदि हम फ्री छोड़ दें मार्केट फोर्सेज पर और अपने टैक्सेज एक्साइज ड्यूटी और वैट एक रीजनेबल लेवल पे रखें, तो जैसा वेस्टर्न कंट्रीज में होता है क्रूड के दाम जब बढ़ेंगे घटेंगे, तो यहाँ भी रिटेल लेवल पे दाम बढ़ेंगे और घटेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कागज़ में तो हमने डीरेगुलेट किया हुआ है, लेकिन वास्तव में ये डीरेगुलेशन प्राइसेस का है नहीं। इसलिए वाइल मार्केटिंग कंपनियाँ अभी दाम कम हुए हैं क्रूड के, लेकिन वो कम नहीं कर रही हैं। हो सकता है चुनाव आने वाले हैं तो कुछ कम हो जाए। आजकल यदि वाइल मार्केटिंग कंपनियों का बैलेंस शीट देखें तो कभी 22-23 के पहले 6 महीने में तो उनको काफ़ी लॉस जा रहा था, अभी थोड़ा प्रॉफिट बढ़ गया, Q3 में कुछ हुआ, Q4 में प्रॉफिट और बढ़ गए क्योंकि दाम क्रूड के कम हो गए, मार्जिन थोड़ी इम्प्रूव हो गई। लेकिन मिला जुला के यदि आप देखें 3 वाइल मार्केटिंग कंपनियां हैं मेजर, उनके आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें तो टोटल प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का करीब 8,000 के आसपास है, BPCL का 2,000 के आसपास है, HPCL अभी भी लॉस में है, नेट लॉस में Q4 में ज़्यादा हुआ है। तो एक कंसिस्टेंट पॉलिसी यदि नहीं होगी और टैक्सेस का लेवल इसी तरह रहेगा तो हम ऐसे ही एडहॉकिज्म में रहेंगे जैसे रेगुलेशन डीरेगुलेशन के पहले जो रेगुलेटेड रिजीम के टाइम में था वैसे ही है, जब मर्जी बढ़ाते हैं जब मर्जी घटाते हैं। आज आपकी बात सही है कि राहत मिलनी चाहिए, लेकिन राहत नहीं मिली। कोरोना टाइम में क्रूड का दाम काफ़ी कम हो गया, जैसा अभी बताया गया $20 के आसपास आ गया, लेकिन कंज्यूमर को जो रिटेल प्राइसेस के लेवल थे उसमें कोई खास राहत नहीं मिली, क्योंकि एक्साइज बढ़ा दिया गया, क्योंकि सरकारें भी सोचती हैं कि एक कमाई इससे होनी चाहिए। जो पेट्रोलियम सेक्टर से सरकार को आमदनी है वो बड़ा साइजेबल चंक है, और उसमें कमी अगर करती है तो उसके बजट पर भी इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए सरकार को हर कुछ देखना पड़ता है और इसी हालात में हम लोग हैं। यस, तो ये आपका ऑब्जर्वेशन है। अब जरा मैं ये तो आपसे, चूंकि आपने आप पॉलिसी का हिस्सा रहे हैं सर, इसलिए पहला सवाल आपसे। अब दूसरा सवाल, तेल कंपनी को लंबे समय तक रिप्रेजेंट किया है शर्मा जी ने, ONGC जैसी कंपनी को। शर्मा जी आप जरा हमें बताएं सर कि रूस ने हमें बड़ा मौका दिया और रूस से हमने बहुत बड़ी मात्रा में सस्ता क्रूड इंपोर्ट किया, मतलब ये आप समझिए कि $7 अरब का फ़ायदा रूस से इंपोर्ट पर 14 महीने में इंडियन रिफाइनर्स को हुआ है, $7 अरब सर, तेल इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, हमने बहुत सस्ता क्रूड इंपोर्ट किया। उसके बाद भी सर क्यों दिक्कत क्या आ रही है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तेल कंपनियों को क्या दिक्कत आ रही है कि वो पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं कंज्यूमर तक क्रूड कीमतों में गिरावट का फायदा या फिर रूस से सस्ते इंपोर्ट का फायदा। धन्यवाद रतिंजय, मैं आपके सवाल पे अभी आता हूँ, उससे पहले मेरे गुरुजी RS पांडे साहब मेरे टाइम में पेट्रोलियम सेक्टर रहे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो कुछ उन्होंने बोला है 100% सही है, और उसमें थोड़ा सा सप्लीमेंट मैं ये करूँगा कि ये जो हमारा देश जो विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है, तो हम जो विकसित देशों वाली जो पॉलिसी जो अडॉप्ट करते हैं वो सही नहीं है। जब ये सरकार ने अनाउंस किया कि जी अब हम डेली कंपनियां जो प्राइस रिविजन करेंगी, वो समय में मैं जो है फिक्की हाइड्रोकार्बन कमेटी को चेयर कर रहा था, उस वक्त मैंने काफी स्पष्ट शब्दों में बोला था कि ये पॉलिसी हमारे देश के लिए सही नहीं है, तो और ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी, और वही जो है हालात डेवलप हो गए और उसको अच्छी तरह से पांडे साहब ने बता दिया। दूसरा सवाल आपने जो बताया है कि 7 अरब
डॉलर का जो फायदा हुआ, आप देखिए रशियन क्रूड इंपोर्ट का जो फायदा जो है प्राइमरीली वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी की जो दो रिफाइनरीज हैं, जामनगर वाली रिलायंस की और वाडीनार की रिफाइनरी, पहले जो एसआर की होती थी अभी नयारा रिफाइनरी जिसमें ओनरशिप रोजनेफ्ट की है, सबसे ज्यादा मात्रा में ये दोनों कंपनियां आयात करती हैं और दोनों एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रिफाइनरीज हैं। ओके, तो इनको बिल्कुल बहुत फायदा हुआ है, सरकार ने कैपिटल गेन टैक्स भी उन पे, वो भी नॉट कैपिटल गेन टैक्स, विंडफॉल टैक्स भी उनके ऊपर लगाया है। जो सरकारी कंपनियां हैं ये जो है एकदम सरकार की जो नीतियां जो है उसके हिसाब से चलती हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। ओके, तो इनडायरेक्टली कैसे होता है वो तो पांडे साहब नोज बेटर देन मी। ठीक है, ठीक है, बता दिया जाता है कि आप दाम नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं बढ़ाएंगे। राइट राइट। अच्छा, अब तो सर हमने मतलब आप दोनों को सुना, एक पेट्रोलियम सेक्रेटरी रहे हैं, एक ONGC के चेयरमैन रहे हैं, अब हमारे साथ अजय बग्गा जी हैं, और अजय बग्गा जी के पास अभी आने का हमारा मतलब ये है कि ताकि बग्गा जी आप दोनों को सुने, क्योंकि बग्गा जी बहुत ही क्लोजली इकोनॉमी को मॉनिटर करते हैं और तमाम जो ऑयल की पॉलिसी उसको देखते हैं। सर अब आपसे जानना चाहेंगे, आप जरा बताइए कि डीरेगुलेट किया गया था पेट्रोल और डीजल को, डीरेगुलेशन का मतलब ये था कि उस पर उस कीमतें तय करने में कोई हस्तक्षेप सरकार की तरफ से नहीं रहेगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये डीरेगुलेशन ग्राउंड पर ठीक से काम कर रहा है बग्गा जी, या आपने जो इन दोनों को सुना, फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी और फॉर्मर चेयरमैन ONGC, आपका टेक क्या है सर, क्यों नहीं कम हो पा रहे हैं दाम? नहीं मृत्युंजय, पहले तो मैं कहूंगा इतने वरिष्ठ पर्सनालिटीज के साथ पैनल पे आना मेरा सौभाग्य है, मेरा शत शत नमन दोनों को, बहुत वरिष्ठ लोग हैं मेरे साथ, तो ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। पांडे जी ने ऑलरेडी कहा कि ये तो है ही नहीं, डीरेगुलेशन हुआ नहीं है क्योंकि हाथ बांध के रखे हुए हैं, और पब्लिक सेक्टर के, प्राइवेट सेक्टर हमने देखा जब एक टाइम था जब तेल मार्केटिंग कंपनियों को बोला गया कि कीमत से कम पे बेचिए, प्राइवेट सेक्टर ने पेट्रोल पंप्स को सप्लाई करना बंद कर दिया, इतने लोग बैंकरप्ट हो गए जिन्होंने पेट्रोल पंप खोले थे प्राइवेट कंपनियों के साथ, ये 10 साल पहले की बातें हैं। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत आसान टैक्स है, ये पेट्रोल पंप पे आपका टैक्स आ जाता है, कंपनियां इसको कलेक्ट करके सरकारी खजाने में डाल देती हैं। अब जैसे अटल बिहारी जी ने सेस निकाला था, तो प्रधानमंत्री सड़क योजना का सेस बनाया था, सब टेम्पररी होना था, अब क्या है तेल के ऊपर एजुकेशन भी आ गया, रोड भी आ गया, जो मर्जी आपको डालना आप तेल के ऊपर डालते रहते हैं, और केवल केंद्र सरकार नहीं, आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स भी वैट बढ़ा के रखती हैं, और ये कई बारी अचंभित हो जाते हैं मृत्युंजय। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, एक महीना पहले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत काटी गई, अच्छा, एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमत काटी गई, जो प्रॉब्लम हो रही है कि 8-9 करोड़ आपने उज्ज्वला कनेक्शन जरूर दे दिए हैं, बट वो महिलाएं रिप्लेसमेंट सिलेंडर नहीं खरीद पा रही। बेंगलोर की अगर आप कर्नाटका की इलेक्शन देखें तो वो AK शिव कुमार कांग्रेस के सिलेंडर की पूजा करके निकले, और वो सिंबॉलिक हो गया, बट कोई जाग नहीं रहा कि आपने इतना बड़ा बोझ डाल दिया है उपभोक्ताओं पे, जिसके कारण कीमतें भी बढ़ी रहती हैं, पूरी इकोनॉमी में कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन आ जाता है, क्योंकि तेल और डीजल तो पूरी इकोनॉमी उस पर चलती है, और फिर आपका उज्ज्वला स्कीम, इतने सारे लोग हैं अभी सैकड़ों जो के सिलेंडर नहीं अफोर्ड कर पाते 1100-1200 रुपए में, तो ये बहुत पेचीदा मामला है, बट पेट्रोलियम डिपार्टमेंट बहुत आसान है, ONGC हो, रिफाइनिंग कंपनीज हो, इनके ऊपर हर वक्त दबाव डाला गया और वो अभी भी जारी है। यस, तो ये बहुत डिटेल में सर आपने समझाया बताया, लेकिन अब सवाल ये है, ये तो हमने जान लिया कि दाम कम क्यों नहीं हो पा रहे हैं, और हमें हिंट तीनों एक्सपर्ट के जरिए ये मिल गया है कि दाम कम होने की गुंजाइश है, तो सवाल ये है कि क्या कुछ उम्मीद बन रही है इस वक्त पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने की? ये हमारे साथ तीनों एक्सपर्ट बने हुए हैं आपको ऑयल का पूरा फार्मूला बताने के लिए कि तेल कीमतें आखिर कम क्यों नहीं हो पा रही हैं और आगे कम होने की कितनी गुंजाइश दिख रही है। RS पांडे जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ सर, कि
अब देखिए जरा आंकड़े अपने आप में इतने दिलचस्प हैं कि इसके जरिए जो हमारे ऑडियंस है वो खुद समझ लेंगे कि तेल कीमतें क्यों कम होनी चाहिए। अब आप देखिए 2014 के अक्टूबर में $87 के आसपास था क्रूड ऑयल का प्राइस, उस समय पेट्रोल का प्राइस था ₹67 प्रति लीटर। अब आप सोचिए अप्रैल 2020 में $20 से भी नीचे आ गया क्रूड का प्राइस, मतलब आप समझिए कि करीब करीब चार गुना कम हो गया क्रूड का प्राइस 2014 के मुकाबले अप्रैल 2020 में, लेकिन पेट्रोल का भाव ₹67 से ₹69 हो गया, ₹2 बढ़ी गया, जबकि क्रूड कीमतों में और पेट्रोल कीमतों में बड़ा गैप है। मतलब ₹20 का क्रूड और ₹70 का पेट्रोल, पहले था ₹87 का क्रूड, $87 का क्रूड और पेट्रोल था ₹67। ये बात ठीक है कि रुपए की कमजोरी ने इसमें कोई बड़ी भूमिका निभाई होगी, आपको लगता है कि इसको लेके कोई एक और रेगुलेशन में कोई बदलाव आना चाहिए ताकि सीधा फायदा कंज्यूमर तक तो पहुंचे एटलीस्ट सर, दाम कम हो रहे हैं तो? देखिए आपने 14-15 से अभी जो प्राइसेस चल रहे हैं इसकी तुलना की, 14-15 में जो सेंट्रल एक्साइज है उससे भारत सरकार की आमदनी होती थी करीब 1,00,000 करोड़ रुपए, टू बी वेरी प्रिसाइज 99,000 समथिंग। वो 21-22 में बढ़ के 3,63,000 करोड़ हो गई। थोड़ी एक्साइज ड्यूटी कम की गई 22-23 में, थोड़े कम है उससे, लेकिन देखिए इन 8-9 सालों में भारत सरकार की आमदनी की एक्साइज ड्यूटी से 3.5 गुना बढ़ गई। राज्य सरकारें जो वैट लगाती हैं उनकी आमदनी भी बढ़ी, इतनी नहीं बढ़ी लेकिन उनकी आमदनी भी बढ़ी। उनकी कमाई होती थी 1,37,000 करोड़ 14-15 में जी। वो 21-22 में बढ़ के 2,56,000 करोड़ हो गई, मतलब करीब करीब दुगुने, और भारत सरकार की आमदनी 3.5 गुने। तो जब आप एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देंगे तो उसका दाम पर तो सीधा असर पड़ेगा, जब आप वैट ड्यूटी बढ़ा देंगे तो उसका सीधा असर तो दाम पर पड़ेगा। तो यदि दाम कम करनी है ठीक है, तो क्रूड का दाम तो बेसिक प्राइस है लेकिन हाँ। टैक्सेस के लेवल को भी सोचना पड़ेगा। ये बात ठीक है सर, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि टैक्स कम करने होंगे, लेकिन सर आंकड़ों में ही गुगली है, आंकड़ों में गुगली ये है, और इसका जवाब मैं आर एस शर्मा जी आपसे चाहूंगा। जो बात अभी पांडे जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि आपको टैक्स कम करना पड़ेगा, लेकिन अभी तो ये है, ये बात ठीक है कि 2014 के मुकाबले अभी एक्साइज करीब ₹10 ज्यादा है पर लीटर, लेकिन आप देखिए कि अप्रैल 2020 में अभी जो एक्साइज ड्यूटी है वो अप्रैल 2020 के मुकाबले कम है, मतलब अप्रैल 2020 में ₹23 प्रति लीटर थी एक्साइज ड्यूटी, जब क्रूड का प्राइस था ₹69, पेट्रोल का प्राइस था ₹69। अभी देखिए ₹20 से कम है एक्साइज ड्यूटी क्रूड पे, पेट्रोल का प्राइस है ₹106। खबर ये है सर शर्मा जी कि पिछले 5 महीने में जो अंडर रिकवरी है वो कम खत्म हो गई तेल कंपनियों की, 5 महीने से रिटेल सेल से उनको फायदा हो रहा है क्योंकि दाम नहीं घटे हैं, तो गुंजाइश तो बन रही होगी सर, आपके हिसाब से कितनी गुंजाइश अभी बन रही है तेल कंपनियों के पास दाम कम करने की जो नहीं कर पा रही है कंपनी? मृत्युंजय मेरी समझ से अभी गुंजाइश की कोई गुंजाइश नहीं है। तो पांडे साहब ने बता ही दिया है कि जो सरकार को कितनी आमदनी हो रही है एक्साइज ड्यूटी के बढ़ाने से, और आप ये मान के चलिए कि शायद मैं पहले ही बोल चुका हूँ, सरकार के लिए, राज्य सरकारों के लिए और केंद्रीय सरकार के लिए सबसे बड़ा रिवेन्यू सोर्स जो है वो है ये जो लेवीज ऑन दी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड क्रूड। और सबसे जो इसमें और भी जो महत्वपूर्ण बात वो ये है कि ईज ऑफ कलेक्शन, इसमें सरकार को कोई चिंता नहीं करनी पड़ती कि कोई उसके अंदर वो डाइवर्शन हो जाएगा, कोई वो कम टैक्स जमा कराएंगे, ये सरकारी कंपनियां अपने आप वो टैक्स कलेक्ट करके सरकारी खजाने में जमा करा देती है। तो ईज ऑफ कलेक्शन एंड द साइज ऑफ द रेवेन्यू दैट द गवर्नमेंट गेट्स, एंड परहैप्स दैट इज द वे दे आर मैनेजिंग सो मेनी वेलफेयर स्कीम्स। आई विल नॉट गो इनटू दैट लार्जर इशू, बट आपका ये है कि कंज्यूमर को इसमें कितनी गुंजाइश है वो राहत मिलने की, तो मैं नहीं समझता कि कंज्यूमर को कुछ ज्यादा उम्मीद करनी चाहिए। अच्छा। अगर कुछ फायदा होगा अच्छा। तो अभी हाँ कंज्यूमर को अभी उम्मीद करने का थोड़ा टाइम है, अभी इलेक्शन आएगी अगले साल, आप देखिए डेफिनेटली जो है उसमें कंज्यूमर को भी फायदा होगा, ये प्रोडक्ट्स के दाम भी कम होंगे, पर इस वक्त मैं नहीं समझता कि इमीडिएटली कुछ उनको जो है कुछ गुंजाइश है फायदा होगा। अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अभी कोई गुंजाइश आपको दिख नहीं रही है। बग्गा जी
आप तो सर मार्केट को भी ट्रैक करते हैं, इकोनॉमी को भी ट्रैक करते हैं। अभी देखिए आप महंगाई के आंकड़े आए, रिटेल महंगाई के आंकड़े वो बढ़कर आए, महंगाई को लेकर सरकार की एक चिंता है। तो आपको नहीं लगता है कि इनफैक्ट कम से कम रिटेल महंगाई पर ही काबू पाने के लिए एटलीस्ट सरकार को इसके ऊपर कुछ ध्यान देना चाहिए, बेशक थोड़ी एक्साइज ड्यूटी और कम करनी पड़ जाए? क्या आपको लगता है कि इसकी तरफ कुछ ध्यान दिया जा सकता है? नहीं देखिए, यही बात है कि कहां से पूरा होगा, जो शर्मा जी ने भी कहा कि और पांडे जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया, 5.5-6.5 लाख करोड़ कलेक्ट हो रहे हैं साल दर साल, तो इतना बड़ा अमाउंट है इसका। अगर आप सोचे चलिए 50,000 करोड़ में कटौती कर देता हूं, कुकिंग गैस एटलीस्ट कम कर दीजिए, वो सीधा इंपैक्ट होता है। मेरे मदर भी 80 के हैं, वो बोलते हैं अच्छा सिलेंडर इतना महंगा, इतना पैसा जा रहा है, और उनको समझ नहीं आती। और ना, और वो ऐसे हैं पूरे पंडितायन है, वो तो लेंगे नहीं सब्सिडी, और वो आके लोग कहते हैं सब्सिडी ले ली, नहीं मैं तो टैक्स भरती हूँ, मैं सब्सिडी क्यों लूंगी। तो ये हालत है मृत्युंजय जी के, आपने लोगों के ऊपर ये छोड़ रखा है। ठीक है, आप एविएशन फ्यूल के कीमतें बढ़ाइए, ये मुझे समझ नहीं आया, कर्नाटक इलेक्शन के तुरंत बाद एविएशन फ्यूल में कटौती की गई 300 रुपए की, और ये कमर्शियल सिलेंडर 300 रुपए कम किया गया, जबकि आपका ये जो उपभोक्ता का सिलेंडर है वो उतना ही चल रहा है। तो ये 3-4 महीने में कटौती आएगी, बट टेम्पररी आएगी इलेक्शन के लिए, तो वो बहुत सिनिकल है व्यू। और कंपनियां इसमें ज्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनियां पास थ्रू मैकेनिज्म है, उनका अगर ज्यादा पैसा आएगा वो डिविडेंड के तौर पे सरकार निकाल लेगी, ऐसा नहीं है कि कोई उसमें से बना रहा है। अच्छा, एक बड़ी बात जो मैं पहले कहता था अपने इकोनॉमिस्ट एक्ट में कि आप बड़ा रखिए तेल की कीमत ज्यादा रखिए, ताकि रिन्यूएबल्स सारे अफोर्डेबल हो सके, और फिर सोलर को बनाइए, भारत का पेटकेम सोलर को बनाइए, ईवी को बनाइए। अब वो हम देख रहे हैं कि इतना टाइम लग रहा है उसमें, उसमें बहुत कम गुंजाइश है कि एटलीस्ट अगले 5-10 साल में वो ज्यादा फर्क कर पाएगा हमारे उपभोक्ताओं के लिए। तो ये एक लेवल लेना चाहिए, पार्लियामेंट में ही पास हो जाए कि भाई 3 लाख करोड़ से ज्यादा हम तेल से नहीं निचोड़ेंगे अपने उपभोक्ताओं को। इंडस्ट्री को आप चार्ज करिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में आप इंडस्ट्री को चार्ज करते हैं, किसानों को मुफ्त देते हैं, और आजकल तो सब बांट रहे हैं गरीबों को 200-400 यूनिट, तो वो आप बांटिए जिसको बांटना है, बट एटलीस्ट आप बोलिए कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा हम नहीं निचोड़ेंगे, कुछ ऐसा नंबर लेके आइए। ये बहुत ही शानदार आइडिया है बग्गा जी, ये जो 3 लाख करोड़ वाला आइडिया है ये वाकई बहुत अच्छा आइडिया है, कि कहीं तो कैपिंग होनी चाहिए, कि मतलब आप एक एक फिगर पर कैप लगा दें कि ठीक है कि आप रेवेन्यू कमाना सरकार का हक है और जरूरी भी है देश चलाने के लिए, तो आप एक फिगर कर दें कि भाई हाँ चलो 3 लाख करोड़ तेल से लेंगे, बाकी तो आपके जो सोर्स हैं, तब तो ये समझ में आएगा कि हाँ चलो इसके ऊपर तो दाम नहीं बढ़ेंगे। ये बात आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया सर। एक आखिरी सवाल आरएस पांडे जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि अगर एक कंज्यूमर के तौर पे मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि क्या मुझे इस बात की उम्मीद करनी चाहिए कि 100 से नीचे हमें इस साल के आखिर तक ही सही पेट्रोल मिलेगा, तो उम्मीद करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? ये कंज्यूमर का सवाल है सर आपसे। के दाम चल रहे हैं, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, 3 इसमें प्लेयर हैं। एक तो क्रूड का प्राइस है जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, एक दूसरा कंज्यूमर को कितनी राहत दें या कितनी उस पर बोझ डाल सकें, और तीसरा जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनको किस तरह से हेल्दी रखें, क्योंकि उनकी भी अपनी जरूरत है, उनका भी एक्सपेंशन करना है, उनका भी अभी इन्वेस्टमेंट करना है। तो पहले जब रेगुलेशन नहीं था, टोटल रेगुलेशन था, तो सरकार ये तीनों का ख्याल करके एडहॉक बेसिस पे कुछ तय करती थी। और मुझे याद है 2008 में जब क्रूड के दाम आसमान चले गए थे, $142 पर बैरल हो गए थे, तब भी 3-5 रुपए ही बढ़ाए गए पेट्रोल और डीजल के दाम, लेकिन उसके बाद रेगुलेशन हटा दिया गया, फिर रेगुलेशन छिपे ढंग से हिडन हैंड्स सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की मीटिंग करके कि नहीं भैया अभी मत बढ़ाओ, जनता पर बोझ बढ़ेगा, इन्फ्लेशन पर इसका असर पड़ेगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनी कहेंगी कि मेरी कमाई का क्या होगा। तो
ये सब में सामंजस्य होता नहीं है, और इसीलिए ये उम्मीद करना कि जनता को राहत मिल जाएगी ये डिपेंड करता है। एक तरह से तो देखें राहत मिलनी चाहिए क्योंकि क्रूड के दाम कम हो गए हैं, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनी की जब आप इकोनॉमिक्स देखेंगे तो पिछले साल जो प्रॉफिट हुई थी उसके साथ कितना है प्रॉफिट, उससे आधा से भी कम है। एक मार्केटिंग कंपनी तो अभी भी नेट लॉस में चल रही है, तो उनको भी एक एक सिस्टम रखना होगा। लेकिन शर्मा जी ने सही बात कही, अभी चुनाव आने वाले हैं, आप देखिएगा जरूर दाम में कुछ कमी आएगी। चलिए सर, चुनाव के बहाने ही सही, फॉर्मूला तो कुछ है नहीं, ठीक है, तब तक हम चुनाव को एक फार्मूला मान लेते हैं सर, कि चुनाव आने वाला है तो उसी से कुछ राहत मिल जाए, कहीं से भी राहत मिले, राहत मिले, चुनाव आ जाए, कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो जाए, कहीं से भी राहत मिले, इसी उम्मीद में हम हैं अभी। सर बहुत शुक्रिया, पांडे जी आपका, शर्मा जी आपका, जय बग्गा जी आपका, हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में क्रूड और पेट्रोल की कीमतों पर बात करने के लिए। तो